पे एकदम अकेला अकेला फील हो रहा है, वो आके यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट देख सकता है। सो गाइज वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। तो सुबह सुबह आज मौसम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा है, इतना ज़्यादा ठंडा है कि आज नहा चलते भी मतलब हाथ हुए खराब। तो मैंने ये जो जैकेट खरीदी थी कैचुआ की, ये मैं पहाड़ों के लिए पहनता था, जो माइनस मतलब 15 डिग्री के लिए हम लोग यूज करते थे बर्फ़ वाले मतलब ट्रैक पे। तो आज वो लखनऊ पहनने की नौबत आ गई है क्योंकि बाहर मौसम ठंडा है। और अभी मैं जा रहा हूँ आज मैं बाइक से, थोड़ा मैं मार्केट में काम है, मेरी एक हार्ड डिस्क थी वो हो गई है ख़राब, वो उसमें जो डाटा है उसका डाटा कुछ दिखा नहीं रहा और कुछ मेमोरी भी कुछ शो नहीं हो रही है। तो मे बी यहाँ कहीं आसपास सॉल्यूशन मिल जाए, तो मैं जा रहा हूँ थोड़ा अपने दोस्त के साथ यहीं पर पास में हजरतगंज में। तो देखते हैं आज क्या क्या करते हैं, ये हार्ड डिस्क सही हो पाती है नहीं हो पाती है, कौन सी दुकान में हम लोग हजरतगंज में जाएंगे। थोड़ा बाहर का देखो आप माहौल ना कैसा है, बाहर का माहौल है ऐसा, ये जो कोहरा है ना ये बहुत ज़बरदस्त लगा हुआ है। देखो आप ये कोहरा कभी सही नहीं होगा। मम्मी यहाँ बैठ के रियाज कर रही है, बिल्कुल ठंडे में बैठी हुई है, ये पापा पढ़ रहे हैं रामचरित मानस, तो दोनों लगे हुए अपने अपने काम पे। तो इन लोग का काम तो हो गया है अपना पूरा। तो निहारिका ने सब लोग को नाश्ता करा दिया, तो मैंने आपको दिखाया कि नाश्ता हमने क्या आया था। अब निहारिका चाय बना रही है सब लोगों के लिए, तो चाय तो हम पियेंगे नहीं क्योंकि हम लोग चाय पीने जा रहे हैं, 19 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ मैं चाय पीने, 19 किलोमीटर दूर। तो संडे को जो अपना नाश्ता होता है वो होता है रोज इडली सांभर, क्योंकि इडली मेरे को काफ़ी पसंद है और निहारिका मेरी पसंद का ख्याल रखते हुए हर संडे को बनाती है इडली और सांभर। मम्मी पापा लोग नाश्ता कर चुके हैं, निहारिका और मैं कर रहे हैं, मैं भी थोड़ा नहा के आई रहा हूँ। बिल्कुल मैं तो स्टार्ट भी कर दिया, मैंने कहा अरे मैं नाश्ता दिखाना भूल गया सुबह का, फिर मैंने कहा चलो निहारिका का नाश्ता दिखाता हूँ। निहारिका 6 इडली खा रही है पूरी आज अपनी प्लेट के लिए। सो गाइस गाड़ी स्टार्ट करने में लग गए मुझे 5 मिनट, आज ठंडा बहुत है तो गाड़ी स्टार्ट होने में लगी थोड़ी देर। अभी मैंने जैन, तो अभी मैंने क्या बोलते हैं यहाँ पे लोकेशन के लिए उसे लाइव लोकेशन शिवम ने मेरे को अपनी भेज दी है, तो वो ट्रेस नहीं हो पा रही है। अभी दोबारा बोला है उसे लोकेशन भेजने के लिए मैंने, तो निकल पड़े हैं फिर से। चलो मार्केट में मेरे काम बन जाए तो आसानी हो जाएगी, क्योंकि यूट्यूब का डाटा इतना ज़्यादा हो जाता है ना। अब क्या है कि लैपटॉप 1 TB का, 1 TB की हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क में अगर मेमोरी सुई ना करिए तो क्या बड़ी दिक्कत है, क्योंकि वो खरीदे हुए करीब 1 साल हुआ है और पुराना डाटा भी उसके साथ साथ चले जाएगा। अब उसमें कुछ सो ही नहीं हो रहा है, मैं परसों से 2-3 दिन से ट्राई कर रहा था, मैंने 2-3 केबल वगैरह चेंज करके देखी लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। तो फिलहाल अभी मैं चल रहा हूँ फैजाबाद हाईवे पे। इधर क्या है कि मेरे सोसाइटी में ना सिर्फ मेरे सिक्योरिटी गार्ड ही फॉलो करते हैं, बाकी तो सोसाइटी वालों को यूट्यूब से कोई मतलब नहीं है, तो जितने भी है तो उन लोग का कमेंट आता है तो वैसे लगते हैं सर आपके सोसाइटी का गार्ड ऐसा कमेंट करते हैं मतलब उस ब्लॉग में। तो अभी वो जैन जैन बोल रहा था। तो पहुंच गए हम लोग इंदिरा नगर, अब इधर ही करी गली में लगता है, उसने दोबारा लोकेशन भेजी नहीं भेजी, मैंने इतना देखा नहीं है, लेकिन इसने ऐसा बोला था कि इस वाली से तीसरी गली में मेरे को घुसना है। देखो उसके बाद तीसरी गली में घुस के देख लेते हैं। अच्छा तो वो साइड था ना यूँ, पहली दूसरी तीसरी गली, तो मैं ढूंढता हूँ फिर उसका दिखाता हूँ आपको। तो अब अभी जरा आ रहा है गाड़ी शिवम, तो अभी गाड़ी शिवम चला रहा है, मैं पीछे बैठा हूँ क्योंकि अभी मुझे लखनऊ की रोडों का उतना अंदाज़ा नहीं है, मतलब अंदाज़ा है हाँ कि शिवम गाड़ी चला रहा है अभी आगे बैठ के, मुझे मतलब अभी से मिलाता हूँ तुमको आगे जाके। तो लखनऊ की रोडों का मेरे को उतना मतलब बार बार गूगल मैप लगाना पड़ता है, ये क्या है कि थोड़ा छोटा छोटा करके हम लोग को शॉर्ट रस्ते पहुँचा देगा हजरतगंज। अच्छा अभी तो अभी हम रेड लाइन पर गए हैं पॉलिटेक्निक चौराहे पे, तो ये मतलब कुछ कुछ मेन मेन चौराहे मेरे को पता है, तो ऐसे जो छोटी मोटी गलियां होती है ना वहाँ से अगर कहीं शॉर्ट जाना है तो वो हमको पता नहीं जाता, तो उसमें ना हेलमेट है ना कुछ है।
ओ हेलमेट तो पहन ले, ओ मेरा हेलमेट तू पहन ले। नहीं मैं हेलमेट पहना ना तो ब्लॉगिंग में बकचोदी हो जाएगी। अच्छा ब्लॉगिंग में बकचोदी होगी बोलता है देखो। हाँ इसलिए कपल दिखेंगे नहीं। अच्छा ना हर झाड़ के पीछे क्या कहते हैं एकदम रोमियो जूलियट हीर राजा सब मिलेंगे। तो ये वाला जो पार्क है वैसे राम मनोहर लोहिया नाम है ना, राम मनोहर लोहिया, लेकिन ये शिवम बता रहा है कि ये लैला मजनू वाला पार्क है। तो अभी ये हमको इस दूसरे रास्ते लेके आया वरना हम और ऊपर से जाते थे। इसको वैलेंटाइन पे एकदम अकेला अकेला फील हो रहा है। वो आके यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट देख सकता है। उसका गेट यहाँ से है अंदर जाने का। अच्छा यहाँ झील भी है पानी की, बोटिंग भी होती है। सूखा पड़ा है, सूखा पड़ा हुआ है, मतलब ऐसे जनेश्वर मिस्त्री की तरह आधा बना रखा है थोड़ा। गोमती रिवर फ्रंट है ये पापा सरकार आएगी तो पानी भरा दिखेगा। अच्छा तो ये सामने है फन मॉल। तो ये है लखनऊ की सबसे वीआईपी रोड लोहिया पथ। लोहिया पथ है ना, हाँ ये लोहिया पथ है, सबसे वीआईपी रोड है। और आगे क्या मतलब जो आगे गोमती रिवर फ्रंट है, आगे पहुंच जाएंगे हम लोग यहीं पर ही। आगे गोमती रिवर फ्रंट है, इधर 1090 भी इधर ही पड़ता है, और अम्बेडकर पार्क भी यहीं भी पड़ता है, और राम मनोहर लोहिया पार्क भी यहीं पर पड़ता है। तो सब यहीं पर ही है घूमने के लिए, घूमते नगर के आसपास। तो आप आओगे तो ऐसे घूम सकते हो यहाँ पे आराम से फिलहाल। लेकिन हम लोग का क्या है ना, हम लोग जा रहे हैं चाय पीने, यानी कि मैं 19 किलोमीटर दूर से आया हूँ चाय पीने के लिए, वो भी शर्मा जी की चाय। हाँ शौक बड़ी चीज़ है। यस हम भाई बोले शौक बड़ी चीज़ है। तो ये है पूरा का पूरा रिवर फ्रंट, मस्त करके देखिए ये पूरा गोमती रिवर फ्रंट है। तो ये सामने वाली दीवार देख रहे हैं आप, ये गवर्नर हाउस है जहाँ रहती हैं यूपी की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ये पूरा तो ये सारी रोड वीआईपी रोड है। ये उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग है। यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं हजरतगंज। तो ये है सामने शर्मा जी की चाय की दुकान लाल बाग। तो पीते हम लोग यहाँ पर चाय। तो जिस चाय को पीने के लिए आया हूँ मैं 19 किलोमीटर दूर से, उसके साथ ये गोल वाला समोसा, गोल समोसे, बन मक्खन और बन मक्खन, और ये चाय आज कुल्हड़ खत्म मिले थे चाय। देखो आप भीड़ देख रहे हो कितनी ज्यादा है। ये सामने दुकान और सामने रेट लिस्ट। हम करते हैं इंजॉय अपने मील को, फिर मिलते हैं। तो इसने अभी पोहा भी खा रहा है साथ साथ में। मैं भूखा इंसान हूं। तो ये है शिवम मेरा पुराना फ्रेंड। तो हमने खाया चाय पी, एक चाय तो मेरी नीचे गिर भी गई, ऐसे गया यहाँ पर ऐसे क्या था ना मोटा, तो पूरा हाथ में चाय गिरी, गर्म नहीं थी ज़्यादा चाय लेकिन उतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं है, लेकिन बन मक्खन काफ़ी अच्छा है। तो ये आसपास का इलाका है, उधर ये पूरा लाल बाग है, लाल बाग के बगल में है आपका पूरा कार बाजार है, आप वहाँ अपनी गाड़ी का डेकोरेशन कर सकते हो सामने। तो पूरा का पूरा कहीं भी हम लोग को हार्ड डिस्क सही नहीं हो पा रही है, सब बोल रहे पूरे वर्ल्ड में कहीं सही नहीं होगी। तो ये पूरी मार्केट है लैपटॉप की, रिपेयरिंग की, कार सजावट की, ऐसे पूरी मार्केट है, लेकिन हार्ड डिस्क कहीं सही नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर है कार पार्किंग, आप यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ पार्क करके जा सकते हैं पूरे आराम से। तो सामने है विधानसभा लखनऊ की,
आज का वैसे भी चुनाव चल रहे हैं तो सरगर्मी ज़्यादा तेज है। ये पूरे पार्टी कार्यालय हैं, छोटी मोटी पार्टियों के सारे, यहाँ पर सबकी फ़ोटो भी लगी है, जैसे सबकी फ़ोटो भी बिक रही है, मतलब सब मुलायम सिंह यादव, योगी, अखिलेश यादव, सबकी फ़ोटो बेचने के लिए भी बंदा है। उधर साइड में बहुत सारे पार्टी के लोग आए हुए हैं। हैं, ये है जनपद मार्केट, ये है पूरी जनपद मार्केट लखनऊ की। एक्चुअली क्या है, हजरतगंज संडे के दिन बंद रहता है ना, ये मार्केट अभी खुलेगी, लेकिन अभी ये टैटू है, नहीं इंसान है। इंसान वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी तो उसको स्टैचू लगा था, वो ऐसे खड़ी थी, मतलब बिल्कुल ऐसे शिवम सोच रहा है कि ये पूरी जनपद मार्केट है यहाँ की। ये तो यहाँ पे है रॉयल कैफ़े, जो फेमस है लखनऊ का बास्केट चाट वाला। तो किस दिन हम लोग आएंगे तो वो भी आपको ब्लॉग दिखाऊंगा। फिलहाल आज ऐसे ही घूमने आए हुए, तो अपने काम की वजह से, तो इसलिए निहारिका नहीं आई थी। तो ये पूरा हजरतगंज है, बिल्कुल एकदम से दिल्ली के चाँदनी चौक का सही है ना, दिल्ली के चाँदनी चौक का सही है हजरतगंज ही पूरा। तो इसको यहाँ के रास्ते पूरे पता है, तो मैंने कहा चल बाइक तू ही चला और मैं पीछे बैठा रहूँगा, अभी जहाँ कोई मोड़ेगा तो वहाँ को हम लोग अपना निकलते रहेंगे। यहाँ पे है वाजपेयी कचौड़ी भंडार, ये काफ़ी फेमस है। हाँ, तो जैसे कि पूरा फूड मार्केट के लखनऊ काफ़ी अच्छा है, आप आओ आराम से खाओ पियो। देखो पंकज नॉनवेज पॉइंट, ये ऐसे मतलब ये दुकानें काफ़ी पुरानी हैं और काफ़ी फेमस भी हैं, तो आप आके आराम से यहाँ सब कुछ खा पी सकते हैं, क्योंकि लखनऊ खाने के लिए ना काफ़ी अच्छा है। तो ये है अम्बेडकर पार्क, इसका वीडियो मैंने आपको पहले दिखा दिया, जो काफ़ी खूबसूरत है, लिंक में जाके देख लीजिएगा। ये सामने है, ये लखनऊ की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, जेपी एनआईसी। तो ये पूरा अम्बेडकर पार्क है। मैं खाना खा के आएंगे, चल फिर मिलते हैं दोबारा, ठीक है? ओके, ठीक है आंटी। तो सीमन को छोड़ दिया है, बच्चा पार्टी खेल ली है। तो ऐसी है इंदिरा नगर की ये गलियां। तो मैं आपको बोला था ना, जैसे दिन बढ़ेगा यहाँ का ट्रैफिक बढ़ते रहेगा। देखिए अभी दिन में इनका देखिए, ये कोई साड़ी फंस गई थी टायर पे, बिल्कुल बची है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर दिन जैसे बढ़ते रहेगा वैसे वैसे लखनऊ में ट्रैफिक बढ़ते रहता है। तीन लोग बैठे हुए हैं और साड़ी पूरी फंस गई है उस पर टायर पर। तो अभी ये ट्रैफिक का ये हाल है। उस साइड में तो ठीक है, उस साइड से आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं पड़ती, लेकिन इधर पर कमता में जैसे ही हम लोग नीचे उतरते हैं ना, तो यहाँ ये स्थिति है। देखिए दूर दूर तक बसें खड़ी हैं, कारें खड़ी हैं। अगर आप कार से लेके आ गए तो समझ लो आपका पूरा 2-3 लीटर तेल तो इसी ट्रैफिक में खर्च हो जाएगा। तो बाइक में ऐसा नहीं है, बाइक में अपना साइड साइड निकलते रहो, ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ती। तो देखो इतना टाइम लग गया, पूरा आधा संडे तो इसमें बढ़ा दूंगा। अभी निहारिका को गाड़ी चलाना भी सिखाना है, तो देखो एक दिन की छुट्टी होती है अपने पास, वो भी सारी की सारी ऐसे आती है अपने काम में ही। वो लोग सोचते हैं कि संडे है छुट्टी है, लेकिन संडे के दिन अपने काम इतने आते हैं हद से ज़्यादा। देखो सुबह मैं निकला था 11 बजे, करेक्ट 1:30 बजे यहाँ पर पहुँचा हूँ, यानी कि 2-3 घंटे तो लगी गया टोटल अभी तक, टोटल 2.5 घंटे मेरे को लग गया।
ढाई भी 11-12 हाँ ढाई घंटे मेरे को निकल लग गया पूरा। गाड़ी पार्किंग की जगह यहाँ पे, क्या बनाया आपकी रसोई में, क्या बनाया आपकी रसोई में, कुछ बनाया? अब तो धूप आ गई अच्छी, मम्मी पापा लोग उधर धूप रहे हैं, धूप निहार के हमारे खाना पैक करते लंच। तो ऐसी गुनगुनी धूप और साथ में हो पहाड़ी नींबू का सना हुआ नींबू, मतलब भांग के नमक के साथ, दही के साथ, मूली के साथ, तो मजा ही कुछ और है। मम्मी लोगों ने मेले रखा हुआ है कटोरे में, अपना पूरा निहारिका मम्मी पापा ने खा लिया। तो गाइस अभी मम्मी को दे रहा हूँ ट्रेनिंग, क्योंकि मैंने 2-3 गाने बजाने सीख लिया है, तो मम्मी उसके से पड़ी है मेरे पीछे कि तूने 2-3 गाने बजाने सीख दिए हैं, तो अब मेरे को भी सुना। तो मैं अभी आज क्या है कि लता मंगेशकर जी का मतलब क्या हो गया, निधन हो गया, तो मैं उस एवज में उनके लिए गाना मम्मी को सिखा रहा हूँ, रहे ना रहे हम, मैं क्या करेंगे बन के करी बन के सबा बागे वफा में। वो तो हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन उनके गाने हमेशा हमारे साथ बने रहेंगे। तो आज के ब्लॉग करते हैं यहीं पे समाप्त, मम्मी को यह लगाना सिखाता हूँ। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ना जाइएगा। हम देते हैं मम्मी को ट्रेनिंग, तब तक के लिए जय देव मम्मी, जय उत्तराखंड।